अधिकार, सुरक्षा और रोजगार ये मात्र शब्द नहीं है, ये आधार है खुशहाल जीवन जीने का, ये सूचक है समाज की प्रगति का और कांग्रेस इस आधार को मजबूत करने में सदैव तत्पर रही है। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान गरीब और सबसे निचले तबके के लोगों के उत्थान हेतु वर्ष 2005 में एक कल्याणकारी योजना शुरू की गई। ये योजना थी मनरेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देना और गांव को शहर के अनुसार सुख सुविधा प्रदान करना है, ताकि रोजगार प्राप्ति हेतु ग्रामीणों का पलायन रुक सके। आज भी मनरेगा योजना गांव-गांव तक रोजगार पहुंचा रही है। इस योजना को एक कदम आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी ने रोजगार के दिनों को 100 से 150 करने का फैसला लिया है। वर्ष 2005 में ही शुरू की गई कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना एक ऐसी कल्याणकारी योजना थी जिसकी शुरुआत देश के कुछ चुने हुए शहरों में विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। कांग्रेस ने इस योजना को शहरों में नगरीय सुविधाओं के विकास हेतु चरणबद्ध तरीके से लागू किया और मार्च 2014 तक सुचारू रूप से जारी रखा। इसे कहते हैं वफादारी का विकास। विकास की नई राह को दिखाया, गरीबों के उत्थान हेतु योजनाओं को बनाया, जन जन का प्रगति से करवाया सरोकार। हम हैं देश के वफादार।